सबसे पहले हम देखेंगे कि जहनी सुकून के क्या मीन्स हैं। हमको सुकून चाहिए, तभी तो इतने सारे लोग यहाँ पे आए हैं, और तभी तो इतने सारे लोग हरे राम हरे कृष्णा मिशन, कई ओशो कम्यून, कभी बुद्धिज्म और क्या नहीं, कहाँ कहाँ लोग जा रहे हैं। पढ़े लिखे लोग हैं, उनके पास सब कुछ है, उनके पास एक ही चीज नहीं है, मेंटल पीस, जहनी सुकून। पैसा है, सब है, गाड़ी मोटर सब है, सब कुछ होने के बावजूद भी आज आदमी को सुकून नहीं है, कितनी बड़ी बात है। पुराने जमाने में लोग बोलते थे हमारे पास कुछ नहीं है, हमारा एक खेत है और हमारे घर में 20 लोग हैं, कितने बच्चे हैं, 11 बच्चे हैं, लेकिन वो लोग जी लेते थे। आज आदमी हम दो हमारा एक पे आ गए हैं, लेकिन इसके बावजूद जिंदगी जहन्नम बन चुकी है। ये करना है, वो करना है, वो करना है, आदमी ने अपने आप को तंग कर दिया है। बाहर वाले कम तंग करते हैं, आदमी खुद अपने आप को ज्यादा तंग करता है। हमको ये देखना है ज़हनी सुकून कहाँ से मिल सकता है, वो क्या जरिए हैं जिनसे आदमी को सुकून मिल सकता है। एक एक करके हम देखते हैं। नंबर एक, सबसे पहली चीज, ईमान और अच्छी जिंदगी। अल्लाह पर ईमान, सही अकीदा, और इसी तरह से जिंदगी में अल्लाह, जिस मकसद के लिए हमको अल्लाह ने पैदा किया है, उस मकसद को पूरा करने का जज्म और उसकी प्रैक्टिस, कि हम क्यों पैदा हुए, किसने हमको पैदा किया, हम उसको जानकर, उसको मानकर, हकीकत को तस्लीम करके जिए। हमको जिंदगी में अच्छे काम करना चाहिए, अगर ऐसी जिंदगी हम जीते हैं तो हमारी जिंदगी में सुकून आता है। ये अल्लाह की तरफ से दिया जाता है, ये ऐसा चीज नहीं कि आप बटन दबाओगे आपको कुछ मिल जाएगा, ऐसा नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से जिंदगी में डाला जाता है। अल्लाह ताला फरमाता है, मन अमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्था वह हुवा मुमिन, जो कोई नेक अमल करे, अच्छे कर्म करे, अच्छे काम करे, वह और मिन ज़करिन औ उन्था, चाहे वो मर्द हो या औरत, वादा अल्लाह का दोनों के लिए है, वह हुवा मुमिन, लेकिन शर्त यह है कि वह अल्लाह पर ईमान रखने वाला होना चाहिए और उन बातों पर जिसको अल्लाह ने ईमान लाने के लिए कहा है। क्या होगा, उसको क्या मिलेगा, फलनुहयन्नहु हयातन तय्यिबा, हम उसको जिंदगी दुनिया में एक आला जिंदगी देंगे, अच्छी जिंदगी देंगे, और वलनजियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानु यअमलून, और उनके अच्छे आमाल के मुताबिक आखिरत में मरने के बाद भी उनको अच्छा बदला देंगे। मरने के बाद का बदला बात की चीज है, लेकिन दुनिया में भी अल्लाह ने कहा जो ईमान और अमल के साथ में, बिलीफ, फेथ और एक्शंस, प्रैक्टिस, इन दोनों का सबूत देगा, सही अकीदा, सही मानकर, सही करके जिएगा, ऐसा आदमी उसको क्या मिलेगा, अच्छी जिंदगी मिलेगी। अच्छी जिंदगी का मतलब क्या है, ऊपर से डॉलर अमेरिकन बरसना शुरू होंगे, नहीं, अच्छी जिंदगी का मतलब यह है कि सब कुछ भी फेल हो गया वो फेल नहीं होगा। अक्सर औकात क्या होता है, आदमी अंदर से फेल होता है, तो सारी परेशानियों में भी वो जी सकता है, प्रॉब्लम्स में भी वो खुश रह सकता है। एक इंसान, आप बच्चों को देखिए, बच्चों को देखिए, छोटी सी चीज पर गमगीन होते हैं लेकिन थोड़ी देर में मान जाते हैं, तो उनकी जिंदगी को आप देखिए, इंसान क्यों खुश नहीं हो सकता है। हमारे पास एक बच्चा है, उसको आप चॉकलेट दे दीजिए, कितना खुश होता है, और उसके नाना को देंगे अगर, इतना खुश नहीं होता है। आप सोचिए खुशी किसमें है, अगर उस चॉकलेट में थी तो बच्चा ज्यादा क्यों खुश हुआ, और उसका बाप, उसका दादा, उसका चचा, वो ज्यादा खुश क्यों नहीं हुआ। खुशी चॉकलेट में है नहीं, उसके एटीट्यूड में है, वो उस चीज को उतना अप्रिशिएट करता, चॉकलेट तो वो है उतना ही पैसे का, ये नहीं कि बढ़ गया, उसका कीमत बढ़ गई, घट गई, कुछ ऐसा नहीं हुआ, वो है एक ही चीज। आप 10 आदमियों को चीज दो, एक गरीब आदमी को जिसके पास जूते नहीं, आप जूते दो, आपके फटे हुए दो, कितना खुश होगा, और आपको नए कोई दे अपने उतार के, हाँ खुश नहीं हो रहे, क्यों, चीज में क्या है, आपके अंदर होता है सब कुछ। हमारा दुनिया को, जिंदगी को देखने का जाविया बदलने से हमारे अंदर प्रॉब्लम्स आते हैं, चीजें जैसी की वैसी रहती हैं, हम बदल जाते हैं। इसलिए हमको इस्लाम बताता है अंदर चेंज करो, हमारा हार्डवेयर चेंज होता रहता है, लेकिन मेन हमारा सॉफ्टवेयर है जो असल हमारे पूरे हार्डवेयर को रन करता है। हमारा सॉफ्टवेयर अगर करप्ट हो जाए, इसमें अगर वायरस आ जाए, हार्डवेयर भी खराब होना शुरू होता है। यही वजह है कि डॉक्टर्स कहते हैं जब आदमी की जहनीत खराब होती है स्ट्रेस के नतीजे में और इसी तरह के प्रॉब्लम्स के नतीजे में, उसके जिस्म पे भी असरात पड़ते हैं, कमजोर हो जाता है, बीमार हो जाता है, कई बीमारियां लग जाती हैं, अल्सर्स हो जाता है, ये होता है, कितने प्रॉब्लम्स होते हैं। तो ईमान और अमल सबसे पहली चीज है जो आदमी की जिंदगी में आना चाहिए। नंबर दो, अल्लाह को याद करना। बहुत सारे डॉक्टर हैं, आप साइकेट्रिस्ट के पास जाएंगे, कहेंगे आंख बंद कीजिए और ऐसा सोचिए
कि आप किसी समंदर के किनारे हैं और आपको लहरों की आवाज़ आ रही है, पत्तों के हिलने की आवाज़ आ रही है, और अपने पैदा करने वाले को आप याद कीजिए। ये तो इस्लाम ने पहले से हमको बताया है कि अल्लाह की याद से इत्मीनान होता है। क्यों? इसलिए कि इंसान कमज़ोर है, कमज़ोर जब ताकतवर के बारे में सोचता है कि वो मेरे साथ है तो उसको सुकून मिलता है। एक गरीब आदमी को अगर कोई कमिश्नर कहे तुम रहो, कोई तकलीफ देगा हमको बोलो, वो आदमी सुकून से सो सकता है, कोई कुछ नहीं करेगा तुमको। क्यों? उसका किसी और पर भरोसा, उसको मालूम मेरे पीछे ये है। इंसान अकेला कमज़ोर है, उसको कोई चाहिए जो ताकतवर है। जब अल्लाह को याद करता है तो उसको सुकून मिलता है, हाँ कोई है, मैं सो रहा हूँ लेकिन कोई है जो जाग रहा है, मेरे प्रॉब्लम्स वो सॉल्व करेगा, सॉल्व कर सकता है। तो अल्लाह की याद आदमी को सुकून देती है। अल्लाह ताला फरमाता है अल्लज़ीन आमनू व तत्मइन्नु कुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाह, वो लोग जो ईमान लाए और उनके दिलों को अल्लाह की याद से इत्मीनान होता है, अल्लाह को याद करने से उनको इत्मीनान मिलता है। और अल्लाह ने फरमाया अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नु अल-क़ुलूब, खबरदार याद रखो अच्छी तरह से कि अल्लाह की याद ही से दिलों को इत्मीनान मिलता है। मालूम ये हुआ, आप देखिए वेस्टर्न कल्चर में, वहां कंट्रीज में क्या नहीं है, बटन दबाओ सब कुछ है, सुकून का कोई बटन बनाया हुआ आज तक है? बटन दबाओ सुकून मिलता है, कोई बटन नहीं बना सके आज। हाँ नींद की गोलियां बना सकते वो लोग, अच्छी क्वालिटी की बनाएंगे, लेकिन ऐसा कोई बटन नहीं बना सके बटन दबाओ खुश हो जाओ, ऐसा कोई बटन है बटन दबाओ और सुकून पाओ? ऐसा कोई बटन नहीं है, वो अंदर से आता है, वो ऊपर से आता है। इसीलिए अल्लाह ने क्या फरमाया, खबरदार अल्लाह की याद ही से दिलों को इत्मीनान मिलता है। ये दूसरी चीज है अल्लाह को याद करना। नंबर तीन, अल्लाह पर भरोसा करना। आदमी सब कुछ खुद सॉल्व करने जाता है, मुसीबत बढ़ती है, वो ये सोचे कि अल्लाह करने वाला है, मेरी लिमिट इतनी है, लेकिन मेरी लिमिट से ज्यादा अल्लाह ताला की कोई लिमिट नहीं है। अल्लाह बहुत ताकत वाला है, वो सब कुछ कर सकता है, मैं अपनी हद तक करूंगा वो सब कुछ करेगा। अल्लाह पर जब आदमी भरोसा करता है उसमें हिम्मत पैदा होती है, लेकिन अपने लिमिटेड मीन्स जब देखता है, अपनी लिमिटेड कैपेसिटीज जब आदमी देखता है तो घबरा जाता है। लेकिन जब देखता है कि मेरी कमियां अपनी जगह, लेकिन वो उसके पास कोई कमी नहीं है, वो कमजोर नहीं है, वो सब कुछ कर सकता है, मेरे साथ वो है, उसको इत्मीनान मिल जाता है। तो तीसरी चीज इसमें यह है कि अल्लाह पर भरोसा करना। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है वमन यतवक्कल अला अल्लाह फहु हस्बुहु, जो अल्लाह पर भरोसा रखता है अल्लाह उसके लिए काफी हो जाता है, जो अल्लाह पर डिपेंड होता है अल्लाह उसके लिए काफी हो जाता है। आप देखें यूसुफ अलैहिस्सलाम की जुदाई में याकूब अलैहिस्सलाम परेशान हुए, बच्चा चहीता बच्चा, एकदम नेक बच्चा बाप से छीन लिया गया। इस वक्त में उन्होंने क्या कहा था, वो नबी थे, उन्होंने कहा इन्नमा अश्कु बस्ती व हुज़्नी इलल्लाह, मैं अपनी परेशानी, मैं अपने रंज व गम और अपने दुख की शिकायत अल्लाह ही से करता हूँ। वअअलमु मिनल्लाहि मा ला तअलमून, और मैं अल्लाह के सिलसिले में वो बात जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। अल्लाह से क्या मिल सकता है, वो कैसे मिल सकता है, जो मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते। मुझे अल्लाह से उम्मीद है, अल्लाह बहुत कुछ कर सकता है। तो एक आदमी दुनिया में फेल हो जाता है, अब क्या होगा, रिसेशन आया, कई लोगों ने फांसी ले ली, रिसेशन आया तो क्या हुआ, तेरे पास इतना सब कुछ है तू जी सकता है। एक आदमी की जिंदगी कितनी कीमती है, रिसेशन की वजह से वो खुदकुशी करें, आप सोचिए। जब आदमी सोचता है आप कुछ नहीं हो सकता है, ये सबसे बड़ा, ये सुसाइड की, ये जो है आपके लिए सुसाइड का बटन होता है, आप कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन जो आदमी सोचता है अल्लाह चाहे तो अब भी हो सकता है, ये कितना अंदर से सूदिंग फीलिंग होती है कि एक आदमी सोचे अल्लाह मेरे लिए नहीं हो सकता ना, मैं इंसान हूं ठीक है, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे लिए नहीं हो सकता है, लेकिन अल्लाह चाहे तो, अल्लाह परफेक्ट है, अल्लाह ने मुझको अब कैसे खाऊंगा मैं, अच्छा माँ के पेट में कौन सी दुकान से लेके खाते थे, कोई शॉपिंग मॉल था वहां पे, माँ के पेट में कैसा खाता था, वहां तो ना दांत थे ना हाथ से पकड़ के मुझको चाहिए मैकडॉनल्ड्स, वहां पे कुछ भी तो नहीं था, कोई होटल नहीं था, वहां कोई निजाम नहीं था, वहां किसने दिया, अब्बू ने तो नहीं की, अब्बू को तो ये भी मालूम था कि लड़का है कि लड़की, इसलिए दोनों लिस्ट में उसी हिसाब से ली थी, लड़का हुआ तो पांच नाम दो, लड़की भी तो पांच नाम दो, उसको नहीं मालूम था। लेकिन अंदर किसने दिया, अंदर ना किसने दी, कान किसने दी, सब कुछ किसने, उसने दिया, वो सब कुछ कर सकता है। एक आदमी अपनी लिमिटेशंस पे सोचने लगे परेशान होगा, टेंशन बढ़ेगा,
लेकिन ये सोचे ठीक है मैं नहीं कर सकता, कोई बात नहीं, अल्लाह अल्लाह नहीं कर सकता, अल्लाह सब कुछ कर सकता है। हिम्मत पैदा होती है, आदमी का फ्रस्ट्रेशन, घबराहट, डर, इस तरह की सारी चीज़ों से वो आज़ाद हो जाता है। अल्लाह पर भरोसा रखना भी सुकून का जरिया, आदमी को सुकून से नींद आती है जब आदमी सोचता अल्लाह करेगा। इसी तरह से चौथी चीज़ इसमें ये भी है कि एक आदमी तकदीर पर ईमान रखे। कुछ नुकसान हो गया, कोई चीज़ महंगी खरीद के लाई टूट गई, ख़राब हो गई, कोई चीज़ आदमी अचानक एक्सीडेंट हो गया या कुछ भी नुकसान हो गया, जॉब तो अचानक चला गया, अब एक आदमी परेशान हो जाता है, अचानक हालत जो पैदा हुई उससे डील नहीं कर पाता है। एक आदमी तकदीर पर ईमान रखे, ये भी उसको सुकून देता है। बाज़ औक़ात एक आदमी, मिसाल के तौर पर ड्राइवर है, गाड़ी चला रहा था, एक्सीडेंट हो गया, घर के लोग उस एक्सीडेंट में मारे गए, ये जिंदा है, ये जिंदगी भर सोचता काश के मैं इधर से गाड़ी लेता, काश के मैं ऐसा करता, इसकी ज़िंदगी मुसीबत बन जाती है उसके लिए इन ख्यालात के नतीजे में। लेकिन अगर वो सोचे तकदीर में था, होने वाला था, हो गया, जिसका वक्त था वो तय था, ऐसा ही होना था, ये उसके लिए सुकून का जरिया बनता है। इसीलिए बहुत सारे डॉक्टर्स जो तकदीर को नहीं मानते हैं, ऐसे पेशेंट्स के लिए यही बताते हैं, ये होना ही था, ऐसा ही होना था। जब आदमी ऐसा सोचता है कि हम इसको चेंज नहीं कर सकते थे, अल्लाह ने तकदीर में लिखा है हम बीमार पड़ेंगे, ऐसा होगा, नुकसान होगा, अल्लाह ने ऐसा तय किया, होगा, अल्लाह जो चाहता है होता है, ये जो चीज है आदमी को सुकून देती है। तो तकदीर का अकीदा भी आदमी को सुकून देता है। ईमान वाला मिसाल के तौर पर गाड़ी आदमी चलाने लगे, सोचा अगर गाड़ी चला रहा हूं सामने से गाड़ी आई तो, और अगर उसका ब्रेक फेल हो गया तो ठीक है, मेरा नहीं हुआ उसका हुआ तो, और मेरा एक्सीडेंट हो गया तो गाड़ी कोई चलाएगा आदमी नहीं, अगर मैं चलने लगा अंधेरे में पांव फिसला तो गिर गया तो सर को चोट लगी तो आदमी कैसा जिएगा। आदमी तकदीर का अकीदा क्या सिखाता है, قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا। اے نبی آپ بولو لوگوں کو، بتاؤ ان کو، لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، ہم کو پہنچے گی تکلیف تو وہی پہنچے گی جو اللہ نے ہمارے لیے لکھی ہے، جو پہنچنا ہے پہنچے گا، نہیں پہنچنا ہے نہیں پہنچے گا، چلو چلاؤ گاڑی، کچھ نہیں ہوتا، جو اللہ نے چاہا وہی ہوگا، اگر تکلیف آنی ہوگی آئے گی، نہیں آنی ہوگی، इतना भी कोई कुछ करे कुछ नहीं होने वाला है। ये जो फीलिंग होती है आदमी को दुनिया में प्रॉब्लम्स डील करने में आसानी पैदा करती है। हाँ ये बेअमली के लिए नहीं है, काम पे नहीं जा रहा आएगा खाना मेरे पास, ये इसके लिए नहीं है। दुनिया में आदमी को आगे कदम बढ़ाने के लिए, बैठने के लिए नहीं, आगे चलने के लिए रुकावटें दिखाई देती हैं, प्रॉब्लम्स दिखाई देते हैं, डर दिखाई देता है। तकदीर का अकीदा उसको सिखाता है तो कदम उठा, जो होना है होगा, खामखा का टेंशन मत ले। तकदीर का अकीदा आदमी में हिम्मत और सुकून पैदा करता है। आप देखिए मिसाल के तौर पर अल्लाह ताला फरमाता है मा असाब मिन मुसीबतिन फिल अर्द वला फी अनफुसिकुम इल्ला फी किताब मिन क़ब्ल अन नबरअहा। जो भी तकलीफ तुमको पहुंचती है, मुसीबत तुमको पहुंचती है जमीन में, तुम्हारी अपनी जान में, बीमारी, परेशानी, जो भी नुकसान हो, इल्ला फी किताब मिन क़ब्ल अन नबरअहा, उसके दुनिया में पैदा करने से पहले उस तकलीफ को हमें किताब में लिख चुके हैं। इन ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ यसीर। आदमी पूछा ऐसा कैसा होने के पहले कैसे लिखा, इन ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ यसीर, अल्लाह पर यह आसान है। तुम्हारे लिए फ्यूचर देखना पॉसिबल नहीं है, अल्लाह के लिए पास्ट फ्यूचर का कोई लिमिटेशंस नहीं है। इन ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ यसीर। क्यों ये तकदीर का अकीदा रखना है कि जो कुछ होने वाला है वो लिखा जा चुका है पहले ही से, और हमको वही तकलीफ पहुंचेगी जो हमारी तकदीर में है। अल्लाह ताला फरमाता है लिकै ला तअसौ अला मा फातकुम वला तफरहू बिमा आताकुम वल्लाहु ला युहिब्बु कुल्ल मुख्तालिन फखूर। ये इसलिए मानना है कि तुमको अगर कोई तकलीफ पहुंचे, तुमसे कुछ खो जाए, तो तुम उस पर अफसोस करते न रहो, और जो चीज तुमको मिली है तुम उस पर इतराने न लगो। ये तुमको इसलिए मानना है, जो अल्लाह ताला की तरफ जो होता है अल्लाह की तरफ से होता है। क्यों मानना है तुमको, इसलिए मानना है ताकि तुम्हारे अंदर अगर तुमसे कुछ खो गया, मैं ऐसा करता तो ऐसा होता, ऐसा नहीं करता तो वैसा होता, ऐसा करने में दूसरी भी बस गई, ऐसा अगर कूद के पकड़ लेता ट्रेन तो अच्छा होता, पहले ही से रेडी होता तो अच्छा होता, बैग ऐसा रखता तो अच्छा होता, ये करने में ट्रेन आई दूसरी भी निकल जाती है। तो एक आदमी ऐसा वैसा करने में अपने आप को परेशान करता है। लेकिन तकदीर का अकीदा हो, नुकसान होगा, कितने का हो गया, 20 लाख का होगा, ठीक है, तकदीर में दुख तो होता है, लेकिन तकदीर में था, होना था, मैंने अपनी ताकत पूरी लगाई,
फिर भी नुकसान होने वाला था, अब क्या, छोड़ो निकलो आगे। रोने से वो आता, आंसुओं में से डॉलर गिरना शुरू होते हैं, नहीं, जो नुकसान हो चुका है हो चुका है। जो नुकसान होने पर अफसोस करना दूसरी मुसीबत है। अल्लाह हमको सिखाता है, इस्लाम हमको सिखाता है कि तुमको तकदीर का अकीदा इसलिए रखना है, आदमी देखिए रिस्पॉन्सिबल किसी ना किसी को ठहराएगा। दुनिया में क्या होता है, तेरी वजह से सब ऐसा हुआ, कभी किसी दूसरे को, कभी अपने आप को, यह ऐसा होता तो वैसा होता, इस चीज की वजह से हुआ, अगर मैं ट्रेन का टिकट जल्दी मिल जाता, ट्रेन जल्दी मिल जाती तो ऐसा नहीं होता। आदमी अक्सर ऐसा सोचता है, किसी न किसी को रिस्पॉन्सिबल आदमी बनाना चाहता है। अल्लाह ने बताया ऐसा मत करो, तुमको जो तकलीफ पहुंची अल्लाह की तरफ से आई है, तुम ये मानो। क्यों? लिखा इला था असवाला मनफाता को, जो तुमसे खो गया तुम उस पर अफसोस करते न रहो, इसके लिए तुमको कहा जा रहा है। और वला तफरहु बिमा आताकुम, और तुमने जो कुछ पाया ये भी ना हो जाए कि तुम्हारे अंदर इतराओ तुम कि ये मेरा है, मैंने इतना स्ट्रगल किया हूं तो मैंने पाया। नहीं, अल्लाह ने चाह दिया, वरना बहुत सारे स्ट्रगल करने वाले फाइल लेके घूम रहे हैं, अपना बायोडाटा रिज्यूमे लेके घूम रहे हैं, बहुत सारे लोग उसी जगह पर उसी डेस्क पर हैं, प्रमोशन नहीं हो रही, इसकी हो गई, उससे कम पढ़ा लिखा है। तो अल्लाह ताला दुनिया में किसी के लिए भी कुछ भी आसान कर देता है, ये अल्लाह की तरफ से होता है। बंदे की कोशिश होती है लेकिन अल्टीमेट उसकी कोशिश नहीं है, अगर सिर्फ कोशिश पर होता तो किसी की भी कोशिश वेस्ट नहीं होती और कोई आदमी उसको बगैर कोशिश के मिलता ही नहीं। कितने ऐसे लोग हैं जिनको कोशिश नहीं लेकिन मिला, कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने कोशिश की नहीं मिला। कोशिश से होता है लेकिन वही सिर्फ एक चीज नहीं जिससे मिलता है। इसी तरह से पांचवी चीज ये है कि एक आदमी दूसरों की मदद करे, दूसरों की मदद करने में उसको सुकून मिलता है, दिल नरम पड़ता है, उसके अंदर जज्बात उसके ठंडे होते हैं, फ्रस्ट्रेशन निकलता है। एक सहाबी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, कहा मेरा दिल बहुत सख्त है, क्या करूं? आपने फरमाया इन अरत्ता अन यलीन कल्बुक, अगर तू चाहता है तेरा दिल नरम हो जाए, तेरे दिल में सुकून पैदा हो, तेरे दिल में नरमी पैदा हो, फअतइमिल मिस्कीन वामसह बिरअसिल यतीम, तो तू एक काम कर, मिस्कीन गरीब आदमी को खाना खिला, यतीम बच्चा है उसके सर पे हाथ फेर। आदमी पत्थर का नहीं बना हुआ है, उसके अंदर इमोशंस होते हैं, जज्बात होते हैं, जब वो दूसरों पर एहसान करता है तो उसके अंदर एक किस्म की खुशी पैदा होती है, खुशी लेने में नहीं देने में भी होती है। एक आदमी इसको ट्राई करके देखे, और जितना कम आदमी के पास होता है देने में उतनी ज्यादा खुशी उसको महसूस होती है। एक गरीब आदमी ही वाकई देने की लग्जरी जानता है। तो एक आदमी जब दूसरों के साथ में अच्छा सलूक करता है और उनके चेहरे पर मेरे जरिए से खुशी आई, क्या होगा? उसको गम होगा, रोना शुरू कर देगा, क्या तकलीफ की चीज देखी मैंने? नहीं, एक आदमी जब किसी और को खुश करता है तो नतीजे में वो खुद भी खुश होता है। ये दुनिया का कायदा अल्लाह ने बनाया इंसान को ऐसा है कि इत्र लगाने वाले के भी हाथ में खुशबू आती है। तो एक आदमी जब दूसरों को खुश करने के लिए कुछ करता है, उनके गम बांटता है, उस आदमी का गम भी हल्का हो जाता है। ये कायदा इंसानियत हमेशा से जानती रही है, इस्लाम ने भी इसको एक्नॉलेज किया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अहब्बुन नास इलल्लाही अनफअहुम लिन्नास, लोगों में सबसे प्यारे लोग अल्लाह के पास वो हैं जो लोगों के लिए फायदा मंद हों, जो लोगों का भला करने वाले, लोगों को फायदा पहुंचाते हैं। वह अहब्बुल आमाल इलल्लाही सुरूरुन तुदखिलुहु अला मुस्लिमिन औ तकशिफु अन्हु कुर्बा, और आमाल में, एक्टिविटीज में, डीड्स में, कामों में सबसे प्यारा काम अल्लाह के पास ये है कि तुम किसी मुसलमान को खुश कर दो। ये मुस्लिम सोसाइटी में कही हुई बात है, इसलिए मुस्लिम का जिक्र यहां पर आ रहा है। किसी इंसान को तुम खुश कर दो, ऐसा अमल करो, कुछ ऐसा करो कि जिससे दूसरा खुश हो जाए, और तकशिफ अन्हु कुर्बा, या तुम किसी तकलीफ को उससे दूर कर दो, या तो कुछ उसके साथ में अच्छा करके उसको खुश करो, या उसकी तकलीफ दूर करके उसको खुश करो, अल्लाह को ये सबसे ज्यादा पसंद है। तो एक आदमी जब दूसरों को खुश करता है तो खुशी उसकी तरफ भी आती है, दूसरों को खुश करने वाला खुद भी खुश रहता है, इसको आप याद रखें। नंबर छह, सुकून के जरिए में से एक जरिया ये भी है कि एक आदमी नमाज पढ़े और सब्र करे। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है या अय्युहल लजीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्र वस्सलाह इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, ए ईमान वालों अल्लाह से मदद चाहो सब्र के जरिए से और नमाज के जरिए से, और यकीन रखो कि अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है।
बेचैन होने वाले, फ्रस्ट्रेट होने वाले, तोड़फोड़ करने वाले, शिकायत करने वाले, इसका मसला हल नहीं होता है, मसला बढ़ जाता है, इज्जत भी जाती है। लेकिन जो आदमी सब्र कर लेता है और एक आदमी उस परेशानी को एक्सेप्ट कर लेता है, फिर उसके सोल्यूशन के लिए पॉजिटिव तरीके से अपनी एनर्जी को बाहर निकालता है, कैसे? अल्लाहु अकबर, हाथ बांध के अल्लाह मेरे मसाइल को हल फरमा, अल्लाह से मदद चाहता है। तो उसका जो गम, उसका जो तकलीफ है, वो आंसुओं के रास्ते से जब नमाज में निकलती है, गम हल्का होता है। एक आदमी जब अल्लाह से दुआ करता है, अल्लाह से मदद मांगता है, नमाज पढ़ता है, खड़ा होता है हाथ बांध के, उसको मालूम पड़ता है मैं तो बंदा हूं, अच्छा मैं क्रिएटर नहीं हूं यूनिवर्स का, मैं क्रिएटेड हूं, मैं दुनिया में गुलाम की हैसियत से हूं, मेरी मर्जी पूरी होने वाली नहीं है, यहां पे मेरी मर्जी पूरी होने वाली है नहीं, किसी की भी नहीं पूरी होती, कभी होती कभी नहीं होती है। तो अगर मेरे ऊपर तकलीफ आई है तो जरूरी नहीं कि मेरी हर चाहत दुनिया में पूरी हो, नमाज में उसको याद आता है तो मैं तो इम्तिहान में हूं, मैं तो अल्लाह का बंदा हूं, उसने जो डाला डाला, अब मेरा काम है सब्र करना है। नमाज आदमी को वाकई, अगर उसकी वो नमाज हो, रोबोट की तरह ना हो, तो वो नमाज उसको अपनी दुनिया की हकीकत, अपनी बंदगी और अपनी जिंदगी का मकसद, अल्लाह का बड़ा होना, अपना छोटा होना, अल्लाह का मदद करने वाला होना, अल्लाह से मांगने के जज्बात सब उसके अंदर पैदा करता है, सुकून उसको मिलता है। ये भी एक तरीका है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वस्सलातु नूर वस्सदकतु बुरहान वस्सब्रु दिया। नमाज नूर है और सदका दलील है, सदका चैरिटी, और आप फरमाते हैं वस्सब्रु दिया और सब्र रोशनी है, कि सब्र रोशनी है। देखिए, फ्रस्ट्रेशन में आंखें बंद हो जाती हैं और विजन पूरा गायब हो जाता है, फिर आदमी जो करता है बाद में होश आता है, मैंने क्या नुकसान किया। गुस्से में जब आदमी आता है परेशान होकर, तो आदमी उसके बाद जो कुछ करता है वो होश में नहीं होता है। लेकिन जब आदमी सब्र करता है, अपने जज्बात को थोड़ा रोकता है, अपने आप को लगाम थोड़ी सी कस लेता है, तो उसको दुनिया में क्या करना है अगले स्टेप्स आसान हो जाते हैं। जो जज्बाती आदमी होता है वो खुद करता है, लेकिन जो आदमी अपने जज्बात को काबू में रखने वाला होता है, वो आगे की स्ट्रेटजी के लिए उसको लाइट मिल जाती है, वो आगे के लिए रोशनी, फैसले के लिए रोशनी कब मिलती है, जब आदमी सब्र करता है। तो सुकून के तरीकों में से ये भी एक तरीका है कि एक आदमी नमाज पढ़े और सब्र करे। देखिए, बहुत सारे लोग गुस्से में आके कुछ ऐसा कर देते हैं कि वो और ज्यादा गम और तकलीफ का जरिया बन जाता है। लेकिन जो आदमी सब्र करता है, अपनी जबान को भी काबू में रखता है, अपने आप को कंट्रोल में रखता है, बाद में जाकर उसके लिए और सुकून मिलता है कि मैंने अच्छा हुआ गलती नहीं की। बॉस ने डांटा, गुस्से में आके कुछ भी बोल दिया, बॉस ने बोला ठीक है मैं डांटा था, अब घर को जाओ, फायर। लेकिन जो आदमी बॉस के डांटने पर थोड़ा बर्दाश्त कर लिया, जाने दो आज इसको कोई टेंशन होगा, उसने बर्दाश्त कर लिया, बाद में बॉस ने खुद अपने केबिन में पर्सनली बुला के कहा, माफ करना मुझसे गलती हो गई, मुझको गुस्से में था इसलिए मैंने ऐसा किया, एक काम करो तुम्हारा प्रमोशन। तो एक आदमी हो सकता है वो सोचता अच्छा हो मैंने बर्दाश्त कर लिया, अगर मैं बर्दाश्त नहीं करता नुकसान होता है। तो एक आदमी जब बर्दाश्त कर लेता है, सब्र करता है, तो उसके लिए आगे का सोचना आसान होता है। बर्दाश्त नहीं करता है, जज्बात में बह जाता है, वो आगे के लिए कोई स्ट्रेटजी नहीं बना सकता है। इसी तरह से परेशानियों में दुआ भी एक यानी आदमी के लिए काम करने वाली चीज, उसको ठंडा और नर्म करने वाली चीज होती है, उसके सुकून का जरिया होती है। इब्न मसूद रदी अल्लाह तआला फरमाते हैं, कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इदा नज़ल बिही हम्मुन औ गम्मुन, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई फिक्र या कोई गम की हालत पेश आती, तो आप क्या कहते? या हय्यु या कय्यूम बिरहमतिक अस्तगीस, ए हय्य ए अल कय्यूम, हय जिंदा, अल्लाह हमेशा से जिंदा है, ऐसा नहीं कि अल्लाह को मौत है, अल्लाह हमेशा से जिंदा है, हमेशा जिंदा रहेगा। अल कय्यूम, खुद कायम है किसी के सपोर्ट के बगैर, और सब को कायम रखे हुए अपने सपोर्ट से, सब कुछ कायम है तो अल्लाह के कायम रखने से। अल्लाह को कोई चीज सपोर्ट नहीं करती है, वो सबको सपोर्ट करता है। तो किन नामों से पुकार रहे हैं? ए वो जिंदा और ए सबको कायम रखने वाले, मैं तेरी रहमत के वसीले से तुझसे फरियाद करता हूं, मेरे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दे। वो जिंदा है, उस पर जो डिपेंड होगा मौत नहीं आएगी, पता चला फुलां पे डिपेंड था उसकी तो मौत हो गई, मैं हूं डरो मत, अगले दिन मालूम पड़ा मैं नहीं हूं, भरोसा जिस पे किया था वो गया। और मैं हूं, मैं फुलां पोस्ट पे हूं, मालूम पड़ा इलेक्शन में वो गया, तो वो अब उसके हाथ में कुछ भी नहीं है, वो कमिश्नर नहीं है, वो
फुला चीज नहीं है, वो कॉरपोरेटर नहीं है, वो मंत्री नहीं, कुछ नहीं, गया हो जिंदा है लेकिन पोस्ट गई। तो एक आदमी किसी ऐसे पर भरोसा रखे जो कमतर है, ये छोटा भरोसा है, ये फॉल्टी भरोसा है। भरोसा ऐसे पर रखना चाहिए जिसको मौत नहीं और जो सबको कायम रखे हुए है, वहां से कभी वो हटने वाला नहीं है, सब उसके कंट्रोल में है। तो ये अल्फाज से आप दुआ करते थे। दुआ से भी आदमी को सुकून मिलता है, वो बताए किससे। एक आदमी अगर गमगीन है, परेशान है, साइकाइट्रिस्ट भी कहता है कि तुम बोलो, दबा के मत रखो, क्योंकि दबाओगे अपने इसको तो कुछ ना कुछ अचानक धमाका होगा। तो तुम एक काम करो, दोस्त से, अपनी किसी भी बीवी से, किसी से तो भी जाके, कोई नहीं मिला, अकेले में बोलो। तुम बोलोगे तुम्हारे अंदर की भड़ास निकलना चाहिए। दुआ कितना अच्छा जरिया है। वो हवा में बोलना नहीं है, वो दीवार से बोलना नहीं है, ऐसे से बोलना नहीं है जो सोचेगा कब खत्म करता है, सबको मालूम है। सुनता आदमी, अच्छा ऐसा, वहां बहुत बहुत अल्लाह ताला आसान कर दो, लेकिन वो सोचता है मेरे को जाना है, मेरी बीवी रुकी हुई है बाहर, जल्दी निकलना है मुझको, फुला मेरी दावत है फुला जगह। उसके गम में कितना शरीक होगा आप बताइए। वो अपनी जिंदगी में जीता है, दूसरे का बोझ कोई नहीं उठाता है, लेकिन वो एक है जो कभी भी पुकारो आप उसको, वो आपकी पुकार सुनेगा, वो लापरवाही से नहीं सुनेगा, वो पूरा अल्लाह ताला तवज्जो से बंदे की दुआ को सुनता है, वो उसके हर लफ्ज को सुनता है, चाहे वो रात में पुकारे। उसका ग्रामर की मिस्टेक भी अगर होती है मांगने में, अल्लाह ताला उसकी दुआ को रिजेक्ट नहीं करता है, कितनी बड़ी बात है। आप देखिए, आप एप्लीकेशन दिए, आप बोलेगा आपकी इसमें कुछ मिस्टेक्स हैं, वापस दे जाओ। अल्लाह के पास टूटे फूटे गिरे पड़े कैसे तो भी अल्फाज में अनपढ़ जाहिल आदमी पुकार रहा है उसको, अल्लाह ऐसे आता मांगने, ठीक है, अल्लाह वो भी कबूल, क्योंकि अल्लाह उसके दिल को देखता है। तो आदमी को जब ऐसा लगता है मेरी कोई सुनने वाला है, मेरी कोई सुनने वाला नहीं है, परेशानी यही है, मेरी सुनने वाला ऐसा है जो बहुत रहम वाला है, ऐसा है जो सब कुछ दे सकता है, ऐसा है जो मुझसे बोर नहीं होगा, मैं घंटों मांगू तो भी सुनेगा, ये सुकून मिलता है इंसान को, कोई तो मेरी सुने, अल्लाह है सुनने के लिए। ये जो चीज है ये दुआ में होती है।